उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार गुप्त सूचना के आधार पर शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग को सफलता भी हाथ लग रही है। देर रात झमाझम बारिश के दौरान भी उत्पाद विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक फैमिली रेस्टोरेंट से एक पिकअप वैन पर भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि शराब माफियाओं ने लॉकडाउन की आड़ में शराब की बड़ी खेप को नालंदा जिले में उतारना चाहा, लेकिन उतारने से पहले ही उनकी मंशा पर उत्पाद विभाग ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। करीब 87 पेटी रॉयल फ्लेयर जो होता है वो शराब है जो अरुणाचल प्रदेश का है, वो होता है वो रिकवर हुआ है। और ये सैदी मोड़ के पास संगम विहार फैमिली रेस्टोरेंट के पास सूचना मिली कि एक गाड़ी शराब से लदी हुई खड़ी है, तो वहाँ पर हम लोग गए और विधिवत तलाशी लिए तो एक गाड़ी शराब से लदी हुई मिली, जिस पर 87 पेटी जो रॉयल फ्लेयर अरुणाचल प्रदेश का शराब बरामद किया। और वहाँ बगल में ही चूँकि रॉयल संगम विहार का होटल का मालिक था, उसको इस संलिप्तता को शायद देखते हुए उसको भी गिरफ्तार करके लाया गया है। उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कीमत कितना है सर जी? कीमत इसका लगभग हमको लगता है कि 87 पेटी है और स्मगलिंग के द्वारा लाया गया अदर स्टेट का शराब है, मोर देन 5 लाख। गिरफ्तारी भी है? गिरफ्तारी है।